फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और इतने कड़ाके की ठंड में अपना ख्याल जरूर रख रहे होंगे। हम लोग देखिए बहुत ठंडा लग रहा है हम लोग को, और हम लोग का इधर देखिए देखिए ठंड भी बहुत ज़्यादा है, धूप भी नहीं निकला है, जबकि अभी 11:30 दिन का बज रहा है, धूप नहीं है, हल्का हल्का कोहरा भी है। सुहाना का आज से स्कूल का छुट्टी भी पड़ी है ठंड का वजह से, 17 तारीख को स्कूल खुलेगा तो वो भी घर में ही है। और यहाँ शिवांशी देखिए, बेटा बोल दे सबको राधे राधे, राधे राधे। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से तिल गुड़ लड्डू जो भी दही चूड़ा जो भी खाइए अच्छे से खाइए। और दीदी भी आ गई है, खेल रही थी अपने सुहाना दीदी के साथ, बड़ी दीदी के साथ खेल रही थी। ले 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 लो रोटो, प्रणाम प्रणाम, राधे राधे, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सुहाना बेटा, तो दोनों बहन घर में इसलिए दोनों बहन जमकर खेल रही है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सुहाना भी आ गई, बोल राधे राधे प्रणाम। तो यहाँ देखिए हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, सबको हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति आ रहा है तो हर घर में ज्यादा ही चूड़ा खाया जाता है, तो आज हम बनाने वाले हैं मुरमुरा के लड्डू। और देखिएगा कैसे फटाफट से मुरमुरा के लड्डू बनाते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपना चूल्हा जो है बाहर लेके आ गए हैं, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखिए अपना चूल्हा बाहर निकाल लिए हैं, और क्योंकि हमारे किचन में जगह बहुत कम है और खड़ा होके लड्डू बनाने में बहुत दिक्कत होता है, और ये सब जो चीज़ है बैठ के आराम से बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा आता लगता है, मज़ा भी आता है। तो मेरा किचन में उतना जगह है नहीं और लाइट भी कम आ रहा है, इसलिए मैं उसको देखिए ठंड है बाहर में कितना, फिर भी मैं अपना चूल्हा जो है बाहर निकाल के ले आई हूँ ताकि बैठ के आराम से बना पाऊँ। तो चलिए देखते फटाफट से कैसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं यहाँ पे किचन का सारा सामान लेकर बाहर आ गई हूँ मुरमुरे बनाने के लिए अब। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये गुड़ है इतना बड़ा बड़ा सा, इसको हमें तोड़ना होगा, इसी से हम फोड़ेंगे गुड़ को अपना। देखिए इस तरह से एक 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 गुड़ को मैं फोड़ ले रही हूँ, इससे गुड़ का पाक बनाने में हमें सुविधा होगा और जल्दी से हमारा पाक जो है बन जाएगा। देखिए मेरा मुंह किस तरह से हो गया है गुड़ फोड़ते हुए, दर्द होने लगा था हाथ, तो इस तरह से गुड़ को देख लूँगी मैं और जो भी बचा हुआ है गुड़ उसको ठीक से और अच्छे तरह से मैं तोड़ लूँगी, ऐसे पाक हमारा अच्छा बनेगा और जल्दी भी बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना गुड़ को बहुत अच्छा से फोड़ ली हूँ, देखिए कितना अच्छा से फोड़। यहाँ देखिए फ्रेंड, मैं लड्डू बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ और कढ़ाई मेरा चढ़ गया है, गरम हो गया है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा नमक डालूँगी क्योंकि इसमें मैं बनाने वाली हूँ पॉपकॉर्न। मेरे पास देखिए मकई का दाना है, सुहाना का पापा लाए थे मार्केट से, तो इसी में मैं डाल रही हूँ और इससे मैं पॉपकॉर्न बनाऊँगी, लावा बनाऊँगी, क्योंकि पॉपकॉर्न का जो लड्डू होता है वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मैं इसको भी देखिए बना रही हूँ लावा, और इसको मैं ढक ढक के बनाऊँगी बहुत सावधानी से क्योंकि ये बहुत छिटकता है, अगर आप ढक के नहीं बनाइएगा तो पूरा बाहर निकल जाएगा उड़कर। देखिए मैं ढक ढक के किस तरह से बना रही हूँ, और पॉपकॉर्न रेडी हो गया है, बन गया है, सुनाई पड़ रहा है।
तो दिखेगा, मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ खोल के। देखिए ये देखिए पॉपकॉर्न कैसे उछल रहा है। देखिए अगर मैं ढक के ना पकाऊँ तो बाहर सारा निकल जाएगा। पूरा रेडी हो गया बहुत अच्छी तरह से। और मेरी छोटी बेटी जो है शिवांशी रो रही है खाने के लिए, इसलिए मैं उसको जल्दी से निकाल के अलग दे रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और आके पकड़ने का डर है, जलने का डर है। इसलिए मैं देखिए उसको साइड में दे दी कि वो अपना बैठ के खाएगी। और इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर पॉपकॉर्न को। इसी तरह से मेरा और भी जो पॉपकॉर्न है ऐसे ही मैं बना लूँगी। देखिए अच्छा बना है। और भी मैं भून कर रेडी कर लेती हूँ फिर से। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना सारा पॉपकॉर्न भून ली हूँ और फिर से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, तेल भी गर्म हो गया है। और यहाँ देखिए मूंगफली है मेरे पास, बादाम, इसको भी मैं भून लूँगी, इसको भी अच्छा सा लाल करके भून लूँगी चलाते हुए। देखिए ये मेरा देखिए भून चुका है बहुत अच्छी तरह से बादाम, इसको भी निकाल ली, देख लीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मुरमुरा का बारी है, इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। इससे हमारा मुरमुरा जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्प हो जाएगा। ऐसे तो क्रिस्प है लेकिन अब जब गर्म कर देंगे इस तरह से, देखिए और भी क्रिस्प हो जाएगा और लड्डू बहुत अच्छा बनेगा मुरमुरा का। थोड़ा कलर भी रेड जैसा हल्का हो गया है तो इसको हम निकाल लेते हैं। और बाकी का जो मुरमुरा है उसे भी हम भून लेते हैं पहले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो बादाम हम भून के रखे थे, देखिए इसको हम इस तरह से मसल देंगे तो इसको हल्का फुल्का फुल्का जो है निकल जाएगा और ये थोड़ा आपस में टूट भी जाएंगे बादाम, तो हम लड्डू में इसको डालेंगे। और यहाँ देखिए मैं बैठ गई हूँ कढ़ाई लेकर और इसमें डाल दी हूँ घी। और उसी घी में देखिए मैं गुड़ डाल दी थी, तो गुड़ हमारा पिघल गया है। और उसी में मैं देखिए ये अदरक जो है क्रश करके डाल दे रही हूँ। ये मेरी माँ ऐसे बनाती थी, बहुत टेस्टी लगता है, ऐसे बना कर देखिएगा। अदरक जब मुँह में पड़ेगा ना तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये गुड़ के साथ ही पक जाएगा, इसी में देखिए बॉयल जब होगा ना तो इसी के साथ जो है अदरक वो पक जाएगा। तो इसको मैं बहुत अच्छी तरह से पकाना है। तो फ्रेंड्स एक बर्तन में मैं मुरमुरा ले रही हूँ और मुरमुरा के बाद इसमें मैं बादाम डालूँगी। बादाम डालकर उसको मैं मिक्स करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने के बाद मैं देखती हूँ हमारा गुड़ जो है वो भी देखिए झाग उठ चुका है, यानी गुड़ भी हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से जब झाग बने समझ लीजिए रेडी हो गया है गुड़ हमारा। और मैं बैठ गई हूँ मुरमुरे बनाने के लिए, तो इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा लेंगे और डालूँगी। गरम गरम है तो इसमें हम हाथ से नहीं करेंगे, क्योंकि जो पाग है हमारा बहुत गरम है, तो उसको हमें कड़छी की सहायता से मिलाएंगे इस तरह से धीरे 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 धीरे। सब अच्छे से मिलाने के बाद देखिए मिक्स हो गया है, तो हाथों में पानी लगाऊँगी। और इस तरह से देखिए मैं अपना जो मुरमुरा लड्डू है मैं बनाने लगी हूँ। देखती हूँ देखिए किस तरह से बन रहा है। देखिए गोल सा देखिए लुढ़क के बाहर आ गया मेरा लड्डू, तो मैं फिर से बना रही हूँ। और ये गरम गरम ही बनाना रहता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे तो अकेले ही बनाना है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो लोग तो बना नहीं पाएंगे, इसलिए मैं बड़ा बड़ा भी बना रही हूँ कि जल्दी से बन जाए, क्योंकि ठंडा होगा तो फिर उसको बनाने में दिक्कत होता है। और मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ बड़ा बड़ा ही, इस तरह से बना लूँगी। बाद में मैं बच्चों के लिए छोटा छोटा बना लूँगी लास्ट में। देखिए लड्डू बन रहा है, बार बार हाथों में पानी लगाएंगे जिससे हाथ में जो है मुरमुरा हमारा चिपकेगा नहीं और बनाने में आसानी होगा। मैं पटापट से बना रही हूँ और संस्कृति देखिए आकर खड़ा होकर देख रही है, मम्मी कैसे बना रही हो, बहुत अच्छा बन रहा है।
देख रही है, बोल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना जल्दी जल्दी मेरा मुरमुरा लड्डू बनकर रेडी हो जा रहा है। देखिए गोल गोल, कोई झंझट नहीं लग रहा है। देखिए बस उठा रहे हैं और फट से देखिए लड्डू गोल सा बन जा रहा है, ना चिपक रहा है ना कुछ, कितना सुंदर से बन जा रहा है। इसी तरह से मैं बना लूँगी सारा लड्डू। और देखिए फ्रेंड्स संस्कृति भी बैठी है मेरे साथ, देख रही है बैठकर। इसी तरह से देखिए मैं, देखिए इतना सारा लड्डू बना ली मुरमुरा का लड्डू। देखिए कैसा बना है बताइएगा कमेंट्स में फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसी तरह से मैं देखिए पॉपकॉर्न का भी लड्डू बना ले रही हूँ, मकई के लावा का। इसी में मैं गुड़ डाली हूँ और इसको भी मिक्स करके इसी तरह से देखिए गोल गोल बना रही हूँ। इसी तरह से मैं सारा बना लूँगी। और ये देखिए मैं बना ली हूँ, इतना सारा बना है मेरा पॉपकॉर्न का लड्डू। और ये देखिए मुरमुरा का लड्डू, ये दोनों मेरा बन चुका है। और ये देखिए तिल है मेरे पास, काला तिल, तो इसको भी मैं बना लेती हूँ। तिल तिलवा बनाऊँगी काला तिल का। और ये रहा बादाम, इसका भी लड्डू मैं बना लूँगी इन दोनों का। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा देखिए लाई बन गया है, देख लीजिए कितना लाई बना है, देख लीजिए। अभी हम ये है मकई वाला लाई है, देख लीजिए ये मकई का लाई है, और ये मुरमुरा लड्डू है, और ये मकई वाला लाई है, देख लीजिए फ्रेंड्स इतना सारा बना लिए हैं, देख लीजिए। और देखिए ये देखिए बनाए हैं, ये बादाम का है और ये तिल का लड्डू बना लिए हैं, इतना सारा बना कर रेडी कर लिए हैं। और बहुत सारा लाई बनाए हैं लड्डू, इसलिए क्योंकि गांव पड़ोसी होते हैं, अगल बगल उनको भी बांटना पड़ता है, तो इसलिए इतना सारा बनाए हैं, देख लीजिए क्योंकि सबको खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए। आप सभी लोगों को फिर से एक बार हैप्पी मकर संक्रांति, आप लोग भी खा लीजिए और अपने घर में भी बना के खाइए और मकर संक्रांति को इंजॉय करिए। देख लीजिए कैसा बनाए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और अब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।